पांच लोगों को रेफर करता चला जाए तो 10 लेवल हमारे 10 महीने में भर सकते हैं या 1 साल में हमारे 10 लेवल कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 10 लेवल भरने के लिए हमको ईमानदारी से 5 लोगों को रेफर करना ही होगा, और अगर गलती से ये 10 लेवल हमारे 1 साल में कंप्लीट हो गए तो कैन यू इमेजिन योर अर्निंग? इमेजिन की जरूरत ही नहीं है, हम पूरे 10 लेवल में 5 का मल्टीप्लाई करके लोगों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं और हर एक लेवल पर हमारी 10 लेवल तक 150 रुपए तक की इनकम फिक्स है। अगर इस पूरी इनकम को हम जोड़ें फर्स्ट लेवल से लेकर 10th लेवल तक तो ये टोटल इनकम हमारी होती है अबाउट 178 करोड़। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या आपको लगता है इट इज बिलीवेबल? क्या ये हमको और आपको मिल सकती है? सर बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन भरोसा इसलिए नहीं होता कि आज तक मिली नहीं है। न मिलने का कारण क्या है कि कोई कंपनी नहीं टिकती है पैसे देने तक। टिकने का कारण क्या है कि कंपनी क्यों नहीं टिकती है? सिंपल सा कारण है, या तो कंपनी कोई इलीगल काम करती है तो वो इलीगल पंगे में जिस दिन फंस जाएगी उस दिन कंपनी उड़ जाएगी, या कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर ऐसा है कि वो इतने पैसे बांट ही नहीं सकती है तो एक दिन वो आना है कि कंपनी को अपने आप क्लोज करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, भाई ये घटना तो जो कंपनी लीगल काम करेगी वो किसी के भी साथ हो सकती है। तो क्या हम नेक्स्ट मनी में सुरक्षित है? कहीं और से नहीं मिला, क्या ये संभव है हमको नेक्स्ट मनी से मिल सकता है? तो इसका पूरा कैलकुलेशन का आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा बिल्कुल है नहीं, कंपनी 100% लीगल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड है। हमारे यहाँ ज्वाइनिंग का पैकेज एकमात्र वही है प्रीमियम मेंबरशिप लेना 1770 रुपए, वो लीगल है हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं। दूसरा कोई ज्वाइनिंग का ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो लीगल पॉइंट पर हम 100% लीगल है। अब बात आती है कि क्या पैसे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? 178 करोड़ कंपनी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? तो सिंपल सा चैप्टर है कि कंपनी में अगर कोई व्यक्ति प्रीमियम मेंबरशिप लेता है तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन 10 लेवल में जाता है। उस व्यक्ति का जो स्पॉन्सर होगा उसको 300 रुपीज जाएगा, उससे ऊपर वाले को 30, उससे ऊपर वाले को 45, ये सारे पैसे जोड़ के देख लीजिए आप, 1110 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंपनी के ऊपर 1 रुपए का कभी लोड नहीं है, कंपनी को ये नहीं पता चलता कि किसका पे आउट कितना बनता है, कंपनी पर कभी भी 1 रुपए का लोड पे आउट पे नहीं आता है, और ना ही जीवन में कंपनी को कभी अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बैलेंस तो हम ही जमा करते हैं। कंपनी को तो गवर्नमेंट से, हमारे CMD को बेस्ट अवार्ड मिला है एक्सिस बैंक से, बेस्ट ऑनलाइन अकाउंट ऑफ द कंपनी, और वो सिर्फ इसलिए मिला है कि कंपनी का अकाउंट जब से खुला है उस समय से आज तक ना तो उसमें 1 रुपया कभी कैश जमा हुआ है और ना कभी 1 रुपया कैश निकला है। जो पैसा आता है ऑनलाइन उसी अकाउंट में जाता है, और जो हमारे विड्रॉल हमारे पे आउट होते हैं वो ऑनलाइन हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। कंपनी को तो जीवन में कभी अपने अकाउंट को देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि कहीं हमारे अकाउंट में बैलेंस कम ना पड़ जाए किसी का पे आउट देने के लिए। तो यहां हम 100% सुरक्षित है, यहां पे आउट का कभी कोई मैटर आने का नहीं है। ये प्रेजेंटेशन रहा मेरा 10 लेवल का। 10 लेवल के बाद कंपनी का प्लान खत्म नहीं होता, ये अनलिमिटेड लेवल का प्लान है। लेकिन 10 लेवल से ऊपर की इनकम लेने के लिए वहां पर बाउंडेशन है रैंक का। हमें 10 लेवल से आगे की अगर इनकम लेनी है तो उस इनकम का नाम ही रॉयल्टी है, और रॉयल्टी को लेने के लिए कंपनी ने रैंक का अचीवमेंट मस्ट रखा है। अगर आप रैंक अचीव करोगे तो 10वें लेवल के बाद इनकम मिलेगी 11 से लेकर अनलिमिटेड लेवल तक, और अगर हम और आप रैंक अचीव नहीं करेंगे तो ये इनकम हमको नहीं मिलेगी। सबसे पहली रैंक है सिल्वर, उसके लिए आपके 5 डायरेक्ट प्रीमियम मेंबर होना कंपलसरी है। आपकी टीम 10 लेवल तक पहुंच जानी चाहिए, 1 से लेकर 10 लेवल तक हमारी और आपकी टीम खड़ी होनी चाहिए, और हर एक लेवल में एक्टिवेशन भी होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो कि किसी लेवल में एक्टिवेशन 0 है, 10 लेवल में लोग तो आ गए हैं लेकिन फॉर एग्जाम्पल 5वें लेवल में लोग तो है हमारे 200 लेकिन एक्टिवेशन किसी का भी नहीं है, ये नहीं चलेगा। 5 डायरेक्ट और 10 लेवल तक एक्टिवेशन अगर होता है तो आप सिल्वर हो जाते हैं। सिल्वर बनते ही आपको रॉयल्टी आती है 1% ऑफ द प्रीमियम मेंबरशिप। प्रीमियम मेंबरशिप 1500 रुपए है, उसका 1% 1500 रुपए पर आईडी होता है। ये सिल्वर रॉयल्टी के रूप में पर डे रात को 12 बजे क्लोजिंग होने के बाद हमारे अकाउंट में रॉयल्टी भी डेली क्रेडिट हो जाती है। यह भी एक विशेष गुण सिर्फ हमारी कंपनी में है कि हमको रॉयल्टी भी पर डे क्रेडिट हो जाती है। दूसरी रैंक है हमारे यहाँ पर गोल्ड। गोल्ड बनने के लिए आपके कोई भी 5 डायरेक्ट रेफर, आपने जितने भी लोग रेफर किए हैं डायरेक्ट, उनमें से कोई भी 5 लोग आपके सिल्वर का लेवल अचीव कर ले तो आप गोल्ड हो जाते हैं, और गोल्ड बनते ही आपको 2% की रॉयल्टी आती है, 30 रुपीज पर प्रीमियम मेंबरशिप। लेकिन ये डिफरेंस के रूप में आएगी, आपके नीचे जो सिल्वर हो गया है कंपनी आपके लेवल तक 30 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, लेकिन जो नीचे सिल्वर है वो 15 रुपए का डिफरेंस वो रोक लेगा, आपको डिफरेंस अमाउंट 15 रुपए आएगा। लेकिन जो लैग आपकी सिल्वर नहीं है उस लैग में अगर 11वें लेवल में आईडी लगती है तो उससे पूरा 30 रुपीज आपको अकेले ही आ जाएगा। तो ये हुई दूसरी रॉयल्टी गोल्ड। तीसरी है डायमंड। डायमंड बनने के लिए आपकी कोई भी 5 डिफरेंट लैग, उसमें डायरेक्ट रेफर आवश्यक नहीं है। डायरेक्ट के अलावा अगर दूसरे लेवल में भी कोई व्यक्ति गोल्ड हो जाता है वो भी चलेगा। तो डायमंड बनने के लिए आपके कोई भी 5 लैग गोल्ड का लेवल अचीव कर लेती है तो आप डायमंड हो जाते हैं। डायमंड को 3% रॉयल्टी आती है, 45 रुपीज पर प्रीमियम मेंबरशिप, लेकिन दैट इज ऑल्सो ऑन द डिफरेंस बेसिस।
अगर आप डायमंड है और आपकी एक लेग ऐसी है जो सिल्वर की नहीं है, अगर उस लेग में 11th लेवल पर आईडी लगती है तो आपको पूरा 45 रुपीज रॉयल्टी का आपको अकेले आ जाएगा। अगर उस लेग में सिल्वर हो गया है तो 30 रुपीज आएगा डिफरेंस। अगर वो लेग आपकी डायमंड हो गई है तो फिर आपको केवल 15 रुपीज का आएगा, क्योंकि 30 रुपीज वहां रुक जाएगा। इस तरीके से हमको अनलिमिटेड लेवल तक इनकम आती है। दैट इज द टोटल प्लान ऑफ अवर नेक्स्ट मनी टीम। जितनी भी टीम मैंने और आपने खड़ी की है किसी भी लेवल तक, उससे हमको इस रूप में इनकम आती है। ये हुआ हमारा पूरा कंसेप्ट। यहां पे आपको लगता है कि ये पूरा प्लान हो गया, लेकिन नहीं। कंपनी का ये प्लान जो हमें और आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। असली कंसेप्ट तो मेरा और आपका इसके बाद शुरू होता है। ये तो कंपनी ने हमको और आपको रेफरल इनकम के रूप में एक ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि हम अपनी टीम खड़ी करने के एवज में बहुत बड़ी अमाउंट कमा सकते हैं, बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हैं सिर्फ टीम खड़ी करने के लिए। लेकिन इस प्लान की खूबसूरती यह है कि अगर मैंने और आपने एक बार टीम खड़ी कर दी तो जितने भी लोग मेरे और आपके टीम में खड़े हो गए हैं उन सारे लोगों से हमको, आपको और कंपनी को जीवन भर रेगुलर इनकम आती है। यह सबसे बड़ी ब्यूटी है इस प्लान की। आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं तो उससे एक बार पैसा कमा लेते हैं, लेकिन यहां पर मेरे और आपके साथ जो भी व्यक्ति खड़ा हो गया है टीम में उससे कंपनी को भी जीवन भर इनकम आएगी और मेरे को और आपको भी जीवन भर इनकम आएगी। कंपनी का इंटेंशन या 1500 रुपए की जो ज्वाइनिंग अमाउंट है उसमें से हमको और आपको पैसा देके बांटना या उसमें से कंपनी को इनकम लेना इंटेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ये तो 1500 रुपए जो कंपनी प्रीमियम मेंबरशिप फीस ले रही है उसी में से मनी रोटेशन कर रही है, ये काय का बिजनेस है? सर ये मेरे और आपकी गलतफहमी है। कंपनी का इंटेंशन ये नहीं है कि हम 1500 रुपए में से ही सारे लोग कमाएं। कंपनी कहती है इस 1500 रुपए को तो हम सारे को आपको ही बांटेंगे। दैट इज नॉट अवर इंटेंशन, बिकॉज दिस इज नॉट अवर बिजनेस। हमारा टारगेट तो बिजनेस कुछ और ही है, वो क्या है उसको समझते हैं। अब मेरे और आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप ले ली और रेफरल इनकम भी हमने ले ली, लेकिन सभी लोगों के पास कम से कम 1550 रिवार्ड पॉइंट तो है ही, और हर व्यक्ति के दिमाग में यह सवाल बैठा है कि ये मेरा 1550 रुपया है। वो उसको रिवार्ड पॉइंट नहीं कहता, हम और आप कितना भी समझाएं उस व्यक्ति को, लेकिन वो यही कहता है कि मैंने 1770 रुपए दिया है, उसके बदले कंपनी ने मेरे को 1550 रुपया दे रखे हैं रिवार्ड पॉइंट में, और ये मैं जरूर वसूल करूंगा। करता भी है, हम और आप पैसे कमा पाएंगे 170 करोड़ या 2 करोड़ या 1 करोड़ या 50 लाख, वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहला मेरा और आपका इंटेंशन है कि ये जो 1550 रुपया पड़ा है इसको जरूर वसूलना है। कंपनी कहती है दैट्स गुड, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप इसको जरूर वसूलो। तो हम इस पैसे को वसूलेंगे कैसे? जब कोई सर्विस यूज करेंगे, और अगर सर्विस यूज करेंगे तो वहां पे होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने और आपने सर्विस यूज की, रिचार्ज की, 500 रुपए से डिसरिचार्ज किया तो आपके 5 रिवार्ड पॉइंट यूज हो गए। हमको और आपको 495 रुपए पे करना पड़ेगा। 495 रुपए हम जैसे ही पे करेंगे, मेरा और आपका मोबाइल है या डिश है वो 500 रुपीज से रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज होते ही आपको 2% का कैशबैक आ जाएगा, 10 रुपीज। तो आपको 10 रुपीज का कैशबैक आया है, लेकिन आपको कोई सी भी सर्विस यूज करने पर, चाहे रिचार्ज की सर्विस यूज करें, चाहे बस बुकिंग की करें, चाहे फ्लाइट की सर्विस यूज करें, चाहे प्रोडक्ट खरीदने की सर्विस यूज करें, वहां पर हमारा और आपका जो भी कैशबैक मिलता है हमको और आपको, उस कैशबैक अमाउंट का 25% कंपनी और पैसा बांटती है ऊपर के 10 लेवल में। जैसे आपको मिला रिचार्ज पर 10 रुपए का कैशबैक, 10 रुपीज, उस 10 रुपीज का 25% हुआ 2 रुपया 50 पैसा। वो 2 रुपए 50 पैसे आपसे और हमसे ऊपर जितने लोग 10 लेवल पे बैठे हैं उनको इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 25 पैसे पर कैंडिडेट हमसे ऊपर 10 लेवल में रेगुलर 25-25 पैसा गया। तो अब कंपनी को लोड कितना पड़ा है? अगर मैंने और आपने रिचार्ज की सर्विस की तो कंपनी के ऊपर कितना वजन पड़ा? 5 रिवार्ड पॉइंट का वजन पड़ा आपके का। आपको 10 रुपए का कैशबैक दिया, 15 रुपीज हो गया, और 2 रुपीज 50 पैसे ऊपर बांटा 2 रुपए 50 पैसे, टोटल अमाउंट हो गया ये 17 रुपए 50 पैसे। तो हमने और आपने कंपनी को मात्र 17 रुपए 50 पैसे का वजन कंपनी के ऊपर डाला। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या ये रियल मीनिंग में कंपनी के ऊपर लोड है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर मैंने और आपने डिसरिचार्ज किया है टाटा स्काई या वीडियोकॉन D2H, तो आप समझिए क्या कंपनी उससे कमीशन नहीं ले रही है टाटा स्काई से? जब एक दुकानदार रिचार्ज करने का कमीशन ले लेता है कंपनी से, तो नेक्स्ट मनी भी ले रही है। अब मैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कमीशन ले रही होगी कंपनी। अगर 5% भी मिल रहा होगा कंपनी को, तो कंपनी को 25 रुपया मिला। 500 रुपए पर कंपनी ने टाटा स्काई या वीडियोकॉन D2H से 500 रुपए की डिसरिचार्ज करने पर 5% भी अगर मिला तो 25 रुपए का कमीशन लिया, और मेरे को और आपको 17.5 रुपया बांट दिया, तो कंपनी को तो उसमें नेट प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी कहती है भैया कोई सी भी सर्विस यूज करो, आप भी कमाओ और हम भी कमाते हैं। ये हमारी भी इनकम शुरू हो गई और आपकी भी इनकम शुरू हो गई और कंपनी की भी इनकम शुरू हो गई। दिस इज द परमानेंट बिजनेस। अब कंपनी का शॉपिंग पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल है अपने आप में, जहां पर 5-6 महीने पहले कुछ नहीं था, केवल रिचार्ज की सर्विस थी। आज मेरे और आपके पास बहुत सारी सर्विस अवेलेबल है। वहां पर आप इलेक्ट्रिक फैन खरीद सकते हैं, आप वहां पर टेलीविजन खरीद सकते हैं, आप वहां पर शूज खरीद सकते हैं, आप वहां पर बैग खरीद सकते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। अगर हम उनको खरीदते हैं तो सभी लोग अपनी मर्जी से खरीदेंगे वहां पर। इस प्लान की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होगी कि हमें कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना होगा, सिर्फ नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन समझाना है
और अपने शॉपिंग पर प्रोडक्ट दिखा देने हैं, जिसकी जब मर्जी आए वो प्रोडक्ट खरीदो। मेरे को और आपको कभी जीवन में किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फोर्स नहीं करना। जैसे आज तक हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक तरीके से फोर्स करना होता है कि भैया ये प्रोडक्ट जरूर खरीदना है। लेकिन हमारे यहाँ फ्री होल्ड है, नेक्स्ट शॉपिंग पर सिर्फ प्रोडक्ट होने चाहिए, सारे लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे और हमको और आपको सबको कैशबैक के रूप में इनकम आएगी। दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ अवर इनकम। अब शॉपिंग के साथ साथ मेरा प्रेजेंटेशन जो है आज लगभग यहीं तक रहेगा कि नेक्स्ट मनी क्या है, रिवार्ड पॉइंट कैसे यूज होता है, नेक्स्ट मनी को रेफर करने से क्या इनकम आती है और हमको परमानेंट इनकम शॉपिंग से कैशबैक के रूप में आती है और सभी लोग अपनी मर्जी से जो मर्जी आए वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। हम और आप कभी किसी को फोन नहीं करेंगे कि आप मोबाइल रिचार्ज कर लो या जूता खरीद लो या पंखा खरीद लो, जिसकी जो मर्जी आएगी वो खरीदेगा, लेकिन उससे कैशबैक की इनकम हमको लाइफ टाइम रेगुलर बन जाती है। इसके अलावा कंपनी के पास और बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शन है हमारे और आपके पास, जिसे हम फिर आगे प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट मर्चेंट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट शॉपी एप्लीकेशन है, जिन पर हम बहुत सारे अमाउंट में पैसे कमा सकते हैं। सभी एप्लीकेशन पर हमारा एक ही यूजर आईडी पासवर्ड काम करता है। फिलहाल मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं पर क्लोज करूंगा, अब इसको ऑन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सवाल करना चाहता है तो वो अपने क्वेश्चन की क्वेरी कर सकता है। अंकित जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने हमें बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से बिजनेस प्लान की इंफॉर्मेशन दी है। और आगे मैं कुछ जो एप्लीकेशन के कुछ जल्दी से कवर कर लेता हूँ, दो और इनकम्स जो है जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। ऑटो बाइनरी सिस्टम,